दोस्तों आज हम आपके साथ झटपट बनने वाले मिनी समोसे की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से कभी भी बना सकते हैं। इनका टेस्ट आपको मार्केट से लाए समोसों से भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं समोसा रेसिपी। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी पापड़ी तैयार करेंगे। ये मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। 1/2 टीस्पून अजवाइन को हम क्रश करके डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब हम मैदे को रिफाइंड के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से मोयन तैयार है। अब हम मैदे को इस तरह से मुट्ठी में लेके भीच लेंगे। ये देखिए इसकी इस तरह से मुट्ठी बन गई है। इसका मतलब है हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। समोसे बनाने के लिए हमें इस डो को ना तो ज़्यादा सख्त करना है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। हम आटे को 1 से 2 मिनट अच्छे से गूंथ लेंगे। समोसे बनाने के लिए हमारा एकदम परफेक्ट डो बनकर तैयार है। ये ना तो ज़्यादा टाइट है ना ही सॉफ्ट। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। इतने हम समोसों के लिए अपना आलू का भुर्ता तैयार करेंगे। पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। तेल मीडियम गर्म होने पर हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और 1/2 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया। तो सेकंड इन्हें भून लें। ये मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को मैश कर लिया है। अब हम आलू को पैन में डाल देंगे। आलू को पैन में डालकर फैलाते हुए मिला लें। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लें। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ पुदीना। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी डाल लें। अब हम इन सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। पुदीने का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मीडियम टू लो आंच पर 2 से 3 मिनट हम अपने भुर्ते को चलाते हुए पका लेंगे। समोसे बनाने के लिए हमारा आलू का भुर्ता एकदम रेडी है। गैस को बंद कर दें। ये मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसे चलाते हुए इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे घोल में गुठलियाँ ना पड़े। ये देखिए हमारी मैदे की स्लेरी बनकर तैयार है। मैंने अपने आटे को इस तरह से 3 भाग में कर लिया है। अब हम इनकी लोई बना लेंगे। हमारी आटे की 3 लोई बनकर तैयार है। अब हम इसे चकले पर रखेंगे और रोटी की तरह से बेल लेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। मैंने इसकी एक गोल बड़ी रोटी बेल ली है। ये देखिए अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि मैंने इसकी कितनी थिकनेस रखी है। इस तरह से रोटी को हाथ में लेने पर हमारी उंगलियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर हमारे समोसे की पापड़ी ज्यादा मोटी होगी तो फिर समोसा खाने में मजा नहीं आएगा। मैं इसे पिज्जा कटर से काट रही हूँ, आप चाहे तो छुरी से भी काट सकते हैं। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। अब हम इस पर अपना आलू का भुर्ता रख देंगे। समोसे बनाने के लिए अब हम इसके किनारों पर इस तरह से स्लरी लगा लेंगे। आप चाहे तो स्लरी को हाथ से या चम्मच से किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं। देखिए अब इस तरह से उठाकर दोनों कोनों को उठाकर हम इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से हम चिपका लेंगे। अब इस वाले पोर्शन को लाकर हम यहाँ पर चिपका देंगे और दोनों साइडों को इस तरह से चिपका लें। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी शेप में हमारा मिनी समोसा बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा समोसा बनाकर दिखाती हूँ। मैंने इस पर भी 70 स्लेरी लगा ली है। ये देखिए इस तरह से हम दोनों कोने पकड़कर चिपका लेंगे और अब इस पोर्शन को इस तरह से यहाँ पीछे ले आएंगे और फिर इसी तरह से हम इन दोनों को इस तरह से चिपका लेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी के सभी समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बातों बातों में हमने अपने मिनी समोसे बना लिए हैं। एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दे। इतना हमारा तेल गर्म हो रहा है, इतना हम अपने समोसों को ढक देंगे। तेल मीडियम गर्म होने पर हम एक एक समोसे को तेल में डाल देंगे। हम समोसों को मीडियम टू लो आंच पर ही फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट में हम इन्हें पलट देंगे। समोसों को फ्राई करते समय ध्यान रहे हमें इन्हें हल्की आंच पर ही फ्राई करना है। अगर आपने इन्हें तेज आंच पर फ्राई किया तो ये एकदम से जल जाएंगे और बाजार की तरह अच्छे से नहीं सिकेंगे। मीडियम टू लो आंच पर मैंने समोसों को 8 से 10 मिनट फ्राई कर लिया है। हमारे समोसे अंदर तक अच्छे से सिक गए हैं। अब हम गैस की आंच को तेज कर लेंगे और 2 मिनट हम समोसों को तेज आंच पर फ्राई कर लेंगे ताकि इन पर अच्छा सा कलर आ जाए। हमारे समोसों में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है।
2 मिनट बाद हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। हलवाई लोग भी अपने समोसों को इसी तरह से फ्राई करते हैं। पहले वो हल्की आंच पर समोसों को अच्छे से सेक लेते हैं और जब समोसे अच्छे से अंदर तक सिक जाते हैं तो फिर 2 मिनट के लिए तेज आंच कर लेते हैं। हमारे समोसों में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इसी तरह से अपने बाकी के समोसे फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म हमारे मिनी समोसे बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों, इस बार आप भी करें मज़ेदार समोसों को एंजॉय।